दे दिया गया है, वो फालतू फर्जी बात कर रही है, उनके अकाउंट पे पैसा चला गया। सरकारी जमीन को बेच दिया, रजिस्ट्री करवा दिया। अपना खुद का जमीन है, अपना सरकारी वाड़ी नहीं है वो। लगातार धमकी भी दे रहे हैं उसको ऐसा? नहीं है सर, मेरे को अगर धमकी दे रहा हूँ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया होगा, मेरे खिलाफ लिखा है, FIR कराया, अगर रिकॉर्डिंग में किया है, सब किया है, जो किया है, अगर धमकी दिया हूँ मेरे खिलाफ होगा कार्रवाई कर रहा है, फर्जी बोल रहे हैं मैडम, ये सब गलत है। अगर मेरे खिलाफ होगा, अगर मैं किया हूँ तो मेरे को जो लगता है वो कार्रवाई किया जाए, तो उचित जांच हो, तो उसमें क्या कहें? हाँ, हम तो बोले हैं जांच, जांच हाँ, आपको मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, तैयार है हम, जो सही होगा वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप VLC न्यूज, और VLC न्यूज में हमने आपको एक खबर दिखाया था, धमदा के पास सोनेसराय करके एक गाँव है, जहां पर एक महिला ललिता सेन ने एक आरोप लगाए थे कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ था, उनके साथ जालसाज किया गया था उनके गांव के व्यक्ति ने, तो जिसके ऊपर आरोप लगा था, हम उसके गांव में आए हैं, उसके घर में इस वक्त हैं, और हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक असहाय महिला के ऊपर उन्होंने इस तरह से जालसाज करके उनके जमीन को, उसके जो प्रॉपर्टी, उसको क्यों हथियाए थे, जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम उनका परिचय पूछते जी, अपना नाम बताएंगे। विमल पटेल जी। केवराम पटेल जी। नटराज पटेल। नटराज पटेल जी, आप, आपके ऊपर ये आरोप है ललिता सेन के द्वारा कि आपने उनके जमीन को जो 70-80 लाख का था, उसको आपने उनको गुमराह करके 15 लाख में खरीदा और उनको अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। उनका कहना गलत है, वो कोई खरीदने वाला नहीं है करके 14 लाख रुपए मांग रहा है। दाऊजी आप 15 लाख रुपए रख लो करके मेरे को बोले हैं, तो मैंने उनका गरीब है और कोई काम है, शादी करना है करके मेरे को बोले, तो मैं उनका जमीन खरीद लिया 15 लाख रुपए में और रजिस्ट्री करके उनको पैसा दे दिया गया है। वो फालतू फर्जी बात कर रही है, उनके अकाउंट पे पैसा डाला गया है। उनका कहना है आपने रजिस्ट्री कराते वक्त उनके अकाउंट में पैसा डाले थे और जैसे ही रजिस्ट्री हुआ आपने उनका पैसा निकाल लिए, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम उनको पैसा डाले हैं, वो किसको दिए हैं, क्या किए हैं, वो उनकी जवाबदारी है। जी, मैं आपसे और बात करती हूँ, तब तक आपसे बात करूँ जी, अपना परिचय बताएंगे। केवल राम जी, आपका जो जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उनका ललिता सेन का कहना है कि आपने अपने जमीन को सरकारी बताकर रजिस्ट्री करा लिए हैं, इस पे क्या कहना? मेरा खुद का जमीन है, सरकारी नहीं है मैडम। उनका कहना है कि आपने 12 लाख में सरकारी जमीन को बेच दिया, रजिस्ट्री करवा दिया। नहीं, अपना खुद का जमीन है, अपना सरकारी वाड़ी नहीं है वो जमीन, अपना पुराना जमीन है मालगुजारी जी, और मेरे को घर में आकर जमीन को लीज करके रखा हुआ है जी, दान पर। तो क्या बोल के मतलब आपने उसको बेचा है जमीन को? लूंगा करके अपना आपसी सौदा किया आपसे। तो मामला थाने तक कैसे पहुंच गया? मामला थाने सब सब ये झूठ लूट करके अपना ललिता सेन जो है पहुंचा है। वो ऐसा आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रही है? अब पैसा दे दे करके बोल रहा है, तो पैसा नहीं पाया मेरे से बेचने वाले। कितने में सौदा हुआ था आपके मुताबिक? उनका कहना 12 लाख में, और आपका क्या कहना है? 12 लाख में सौदा हुआ है। 12 लाख में, तो क्या आपने उनसे पैसा ले लिया है अभी तक? पैसा नहीं, मेरे को जानकारी है, पैसा नहीं दिया है अभी। उनका कहना है कि 12 लाख में उनका जो जो सरकारी जमीन था जिसको रजिस्ट्री करा लिए थे, उनका पैसा इनको दे दिया गया है, ये उनका कहना है। पैसा अभी बच्चे लोग जानेंगे अपने खाता में दिया है नहीं दिया है। अच्छा, ये जानकारी मिला कि उस दिन आपका तबियत अचानक अस्वस्थ हो गया था? अभी जानकारी मिला को थाना में बैठे बैठे अपने मेरे को धमकी दे रहा था। किसने दिया धमकी? ललिता सेन ने। क्या बोली ललिता? अरे मैंने को पैसा नहीं दे रहा करके। और आप दे चुके हो पैसा? पैसा मैं नहीं दिया हूँ इसको। पैसा मिल गया कि नहीं मिला है? पैसा नहीं मिला है, एग्रीमेंट है, उसका चेक रखाया है मेरे पास, पैसा आएगा तब दूंगा करके। और ललिता सेन ने जो आपको जो सौदा किया है आपके जमीन का, उसका पैसा आपने उसने आपको दी है कि नहीं दिया? नहीं दिया है, जितना जो एग्रीमेंट है, जो कराया है, सौदा कराया है, उसका चेक रखाया है, स्टाम्प रखाया है, सब रखाया है, मेरे को उसके जमीन के मामले में कोई पैसा नहीं मिला है मकान। उनका स्पष्ट कहना है कि मेरे जो जमीन जिसको मैं 12 लाख में ली थी, वो पैसा मेरे को मैं उनको दे दी हूँ। नहीं, वो तो पेपर रखाया है, चेक रखाया है, उसका सब रखाया है, 3 चेक दिया 4-4 लाख का मेरे को जी जी, वो चेक रखाया है, स्टाम्प रखाया है, उसका पैसा मेरे को नहीं मिला है। तो और मेरे को जो पैसा दिया है, थोड़ा जो पैसा दिया है वो दूसरे का पैसा है जी, वो मेरे को जब वो बेचे हैं जमीन तो वो दिया है पैसा जी, उसका जवाबदारी जो है मैं देखा हूँ, उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब भी दे दिया हूँ उसको, सब दे दिया हूँ। वो मेरे को बोलता है आज पैसा दो, 4 लाख दो, 5 लाख दो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को धमकी देता है कि क्योंकि आपके गांव का मामला है, आप लोग लगातार धमकी भी दे रहे हैं उसको ऐसा? नहीं है सर, मेरे को अगर धमकी दे रहा हूँ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग किया होगा,
मेरे खिलाफ लिखा है FIR कराया, अगर रिकॉर्डिंग में किया है, सब किया है, जो किया है, अगर धमकी दिया हो तो मेरे खिलाफ होगा कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा वो अभी तक वो आपको नहीं दिया? नहीं, जमीन के मकान के मामले में एक रुपया नहीं दिया। कि आप तीनों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीनों एक ही घर से हैं, परिवार से हैं, तो उनका कहना है कि आपने जो जमीन खरीदा दुर्ग में और आपने 15 लाख उनको दिए, तो वो पैसा उनको उसके तक पहुंचा क्यों नहीं है? मतलब अगर आपने पैसा दिया तो उसके अकाउंट में पैसा क्यों नहीं दिखा है? नहीं तो उनको दिया गया है, वो निकाल के किसको दिए, क्या किए, वो उसकी जवाबदारी है, उनकी जवाबदारी है। अकाउंट में पैसा आपने अकाउंट में दिए थे जी। और उनका कहना कि तत्काल आपने पैसा निकाला नहीं? नहीं, हमने निकलवाया, खुद निकाली है वो, और किसको दिए उसकी जवाबदारी है वो। आपके तरफ से पैसा चला गया? हाँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, कुछ जो ये सब कार्रवाई कर रहा है, फर्जी बोल रहे हैं मैडम, ये सब गलत है। अगर ये मेरे खिलाफ होगा, अगर मैं किया हूँ तो मेरे को जो लगता है वो कार्रवाई किया जाए। और जो घर में जाके किसी को भेज के, कोई किसी को भेजता है पुलिस वाले, किसका तबीयत खराब हो गया था पापा जी का, वो बोल रहे हैं कि इसका तबीयत इतना खराब हो गया था कि अटैक आने का उम्मीद था, ऐसा। तो ये सब चीज गलत है, और मेरे को धमकी देता है, मैं ऐसा फंसा दूंगा, वैसा फंसा दूंगा उसका। तो वो तो एकदम असहाय महिला लगती है, उनसे बात करने से ऐसे लगता है जैसे कि एकदम लाचार है, वो बहुत मजबूर है। और उनके साथ मतलब आप लोग चूंकि पावरफुल हो, तो गांव के बड़े पूंजीपति हो उनके नजर में, तो आप लोग उनके साथ कभी भी गलत कर सकते हो, इस तरह का आरोप भी लगा रही थी। नहीं तो असहाय है तो इतना दूर तो नहीं पहुँच पाएंगे मैडम, असहाय रहता तो इतना दूर नहीं पहुँच पाते। वो तो रमन सिंह तक पहचान है, मैं बैगई करता हूँ, ये करता हूँ, सब बोलते हैं। तो रमन सिंह, अमर अग्रवाल, ये सब बोलते हैं, कई जने बोला है, इतना चीज बोला है करके, कई सारा और गलती है, हम उस चीज को नहीं बोलते हैं, क्यों बोलेंगे बताओ। मामला आखिर गांव से निकल के कोर्ट कचहरी तक कैसे चला गया? नहीं, वो तो अपना पेपर अपने मांगे, फाइनेंस कराऊंगा करके, फाइनेंस के लिए अपना पेपर दे दिए अपन, अपने को रजिस्ट्री बुलाया, रजिस्ट्री में गए हैं, नहीं गए हैं वाली बात नहीं, रजिस्ट्री में दस्तखत किए, वहाँ पेपर डायरेक्ट आधार कार्ड पैन कार्ड लेके गए थे कोर्ट में, वहाँ रजिस्ट्रार में रजिस्ट्री किए हैं, उसके बाद लोन निकाल के पैसा दूंगा करके। पैसा देने के लिए बोलते हैं तो अपने बोलते हैं कि पैसा दो जी, ये सब यही मामला है। आपने उसके दुर्ग के मकान को आपने इनको बेचा है? मैं इसके संपर्क करा दिया था डायरेक्ट, आपने जमीन इनसे बेचा? तो कितने मैं में सौदा? मैं नहीं बेचा, वो खुद ही बेची, वो खुद बेची है। आपने 15 लाख में उनको तय किया और आपने पैसा दे दिए। ललिता सेन का ये कहना है कि मतलब मेरी जमीन का जो सौदा हुआ उसका पैसा मिला नहीं, और अकाउंट में शो करते ही रजिस्ट्री होने के बाद पैसा निकाल लिया गया। लेकिन यहाँ पर हम जब जानकारी लेने के लिए जब आए, तो जिन्होंने उसके जमीन को खरीदा है, आपका शुभ नाम बता दें? विमल पटेल। विमल पटेल जी ने उनका मकान खरीदा था, 3 मंजिला मकान को, तो इनका ये स्पष्ट कहना है कि हमने उनको जो 15 लाख में जो सौदा हुआ था, हमने वो 15 लाख उनको दे दिया है। अब उस पैसे का उसने क्या किया है, अब ये उनके बारे में नहीं बता सकते। और आपको इस बारे में और कुछ कहना है? नहीं, जो कार्रवाई कर रहे हैं ये सब गलत है, किसी को किसी खिलाफ बोल रहा है, ये सब गलत बात है। अब ये सब कहना अच्छा बात नहीं है भाई, हम तो नहीं कह रहे हैं ना उसके बारे में जी। हम ऐसा रहता तो बोलते भाई, जब अगर गलत हुआ है, हम किए हैं तो हमारे खिलाफ हो कार्रवाई जी, हम इस चीज के लिए तैयार हैं जी। भाई हमारे खिलाफ हम अगर गलती किए हैं कहीं तो हमको बोले, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई। और अगर वो हमारे खिलाफ कर रहे हैं तो ये गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो जैसे कि अब मामला न्यायालय तक चला, हाँ, न्यायालय में चल रहा है, तो अभी आप न्यायालय को लेके क्या कहें? क्योंकि नहीं, न्यायालय में आदेश दे दिए हैं कि इस पर उचित जांच हो, तो उस पर क्या कहें? हाँ, हम तो बोले हैं जांच हाँ, आपको मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, तैयार है, जो सही होगा वो बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो तैयार है, हम भी और अपने तरफ से कर रहे हैं जी जी, अपने तरफ से जो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी, तैयार है हम करने को, और जब भी जो लगे जी। आप कुछ कह जी बताए, वो तो कह रही है कि अपना मतलब पैसा वापस कर दे, अपना जमीन ले कर दे, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं रखना, अरे वापस कर ले अपना। अच्छा, आप वापस कर देंगे? वापस कर देंगे, अगर आप वापस कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगा, ये वापस कर देंगे हाँ। है ना, तो ये है पूरी कहानी जो इनके माध्यम से निकल कर आया है कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है, प्रत्यारोप जो का जो सिलसिला जो दौर चल रहा है वो तो जारी है। अब देखना ये है कि पक्ष विपक्ष के बीच में जीत किसकी होती है, क्या सही है क्या झूठ है। चूंकि अभी मामला जो है न्यायालय में चला गया है, अब सच झूठ का जो बातें हैं वो तो क्षण के बाहर आएगी। मामला क्या आता है, आखिर है किसकी गलती, कहाँ पर त्रुटि हुई है,
किसने किसको धोखा दिया ये तो आने वाला समय बताएंगे। जब तक बने रहिए हर खबर के लिए वीएलसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।